भाई काम कैसा होता है जब अगर हम KHY की बात करें? काम तो सही होता है, काम सही है, काम सही। सैलरी में मतलब हॉस्पिटल में अच्छी जॉब अच्छे से कीजिएगा तो आपको 19-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं प्रॉपरली। अच्छा, करना क्या होता है बेसिक आपको वहाँ पे? जैसे हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार A to Z। दोस्तों, जैसा सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूं, तो इस समय हम KHY कंपनी के बिल्कुल ठीक सामने जो कि फेस टू नोएडा में है और इस समय हम मौजूद हैं और यहां आज हम कुछ बंदों से फीडबैक लेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहां पे एक जॉब कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या होता है, सैलरी क्या मिल जाती है। और कंपनी के हम बिल्कुल ठीक सामने, ये देखो देखो हमारे भाई सारे आ रहे हैं, ये सभी जॉब से ही आ रहे हैं, है ना। कंपनी 5:30 बज रही है और इस समय सभी बंदे बाहर निकल चुके हैं कंपनी के और हम सभी भाइयों से बातचीत करेंगे वन बाय वन। आप सभी लोग वीडियो में बने रहना मेरे भाई, आज की इस वीडियो में KHY की कंपनी का हम फीडबैक लेने वाले हैं, मतलब लोगों से पूछेंगे कंपनी कैसी है, काम कैसा होता है यहाँ पे, है ना। आप सभी को बताया मैं जॉब के साथ साथ विश्वास भी देता हूँ, बिना करे बकवास वीडियो करते फटाफट हैं जो कि नोएडा के अंदर KHY कंपनी में काम करते हैं। अगर लोकेशन की हम बात करें तो C39 फेस टू नोएडा का ये लोकेशन होने वाला है और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर सभी हमारे भाई आ रहे हैं, मतलब कंपनी से निकल चुके हैं काम करके, है ना, ये देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे वन बाय वन सभी भाइयों से हम बातचीत करेंगे, पहले फर्स्ट एंड फॉल इन भाई से बातचीत कर लेते। क्या नाम है सर आपका? मेरा मोहम्मद रमीज। मोहम्मद रमीज, रमीज जी कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जी बिहार का। अच्छा, बिहार के रहने वाले जी। नोएडा के अंदर कब से हो सर आप? अभी 6 महीने से आया हूँ। 6 महीने हो चुके हैं जी। क्या क्वालिफिकेशन, कितने पढ़े लिखे हो सर आप? मैंने 12th की हुई है। 12th कर रखा हुआ। तो यहाँ KHY कंपनी में कब से काम कर रहे हो आप? 6 मंथ हो गए जब से मैं आया वहाँ पर। 6 महीने से कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं जी। सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या ऑन रोल हो सर? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे? कुछ हमारे भाई कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने से सैलरी नहीं मिलती यार। सैलरी कुछ टाइम नहीं है सैलरी का, मतलब 7 के बताते हैं लेकिन 10 तक देते हैं। 7 से 10 के? हाँ ठीक है, 7 से 10 के बीच रेशियो तो सही है यार, लेकिन सैलरी बताते हैं 13,000 आती है, 10,800 आती है। हाँ, ओवर टाइम वगैरह चलता है सर इसमें? ओवर टाइम नहीं, कुछ पता नहीं ओवर टाइम का, मतलब हर क्या करो प्रेजेंट टाइम पे नहीं चल रहा है और वैसे चलता है, अभी काम डाउन चल रहा है। आपका क्या नाम है सर? संदीप कुमार। संदीप जी आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं औरैया जिला का। औरैया के? अच्छा चलो, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हमारी BSc है। अच्छा, BSc कर रहा है। तो KHY में कब से काम कर रहे हो सर आप? मुझे हो गई 1.5 साल हो गई है। 1.5 साल कंटिन्यू कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही कर रहे हो? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट। इसके थ्रू? कौन से कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू? SSPL। SSPL के थ्रू? वही जितेंद्र जी और जो टिंकू है ना। हाँ, है ना। तो एक बात बताओ यहाँ पे काम कैसा होता है जब अगर हम KHY की बात करें? काम तो सही होता है, काम सही है, काम सही है। कोई प्रेस्टाइज या टारगेट बेस बात तो नहीं होता? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, आराम का काम है। आराम। अगर हम बात करें सर महीने की सैलरी की बात करें तो कितने घंटे आपको वर्क करना होता है इसमें? 8 घंटा चलती है वैसे तो, और 3 घंटा ओवर टाइम चलता है। अच्छा, ओवर टाइम क्या सिंगल है डबल है? डबल है। कितना है? 105। तो अगर महीने की बात करें तो कितनी सैलरी आ जाती है सर महीने की? महीने में ओवर टाइम लग जाता है तो आ जाती है 17-18 हज़ार। 17-18 हज़ार रुपये। कुछ हमारे भाई ये कहते हैं KHY कंपनी में काम ही नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो फीडबैक लेने आया। नहीं नहीं, वैसे तो है तो सही, लेकिन अब उन लोगों को नहीं लगता है, अलग अलग सोच के अलग अलग विचारधारा के लोग। हाँ, आप भी ओवर टाइम करते हो सर? हाँ, ओवर टाइम कर लेते हैं। कर लेते हैं ना? हाँ कर लेते, ठीक। मतलब ये है कि आराम का काम है? हाँ आराम, वैसे कोई दिक्कत नहीं है काम में। अरे यार देखो यार, ये भाई कह रहे हैं KHY बहुत अच्छी कंपनी है, हम काम कर रहे हैं, और ये सब भाई KHY में तो काम करने वाले हैं। और कुछ हमारे भाई ऐसे कहते हैं कि यार KHY में काम नहीं करना, बहुत टारगेट बेस वर्क होता है ना, सैलरी टाइम टू टाइम। अच्छा, एज अ 1.5 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हो, कभी कोई सैलरी को लेकर इशू आया सर? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं आया अभी। आपकी कितने तारीख को अकाउंट में सैलरी आ जाती है? हमारी 7 तारीख को आती है। इसमें ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या था, क्या डॉक्यूमेंटेशन आपने दिया था? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, बस जो हो वही लगा दो, बस हो जाता है। आधार कार्ड से भी हो जाती है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासवर्ड वगैरह, है ना। हाँ भाई, डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना। चलो ठीक है, यहाँ कहाँ पे रहते हो सर आप? कुलेसरा। कितना है रूम रेंट का? कितना है हमारा? 2300 रुपये है। 2300? हाँ यार सही है यार, फिर तो ठीक है भाई साहब से बातचीत बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैं दिखा दूँ आपको, इस समय हम KHY कंपनी के बिल्कुल ठीक सामने ही हैं, सभी भाई हमारे आ रहे हैं, थोड़ा सा इन भाई से भी बातचीत कर लेते। क्या नाम है सर आपका? रितेश कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले सर आप? गोरखपुर। गोरखपुर, क्या बात, हम भी दूसरी साइड के हैं यार। ओके, हम भी बनारस के हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कब से काम कर रहे हो KHY में? 1 साल हो गया। 1 साल हो? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? ITI। ITI कर रखा हुआ। अच्छा, 1 साल से जब कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहे हो कि ऑन रोल कंपनी की तरफ से? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। कौन कॉन्ट्रैक्टर, क्या नाम है आपके? जिक्सन। अच्छा, जिक्सन, जिक्सन से हो? हाँ जी। तो उनके अंडर में आप काम कर रहे हो 1 साल से, सैलरी को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं। कंपनी का अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है? ठीक ही है ना? अच्छा है। हाँ अच्छा। कितने घंटे वर्क करना होता है सर? 8 घंटे। 8 घंटे? वो टाइम वगैरह चलती है? हाँ वो टाइम चलती है। कितने घंटे पर डे OT करते हो आप? 3 घंटे चलती है कभी कभी। अच्छा, 3 घंटे करते हो। तो अगर बात करें महीने की सैलरी कितनी आ जाती है आपकी?
कुछ कहा नहीं जा सकता हा? कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना आ जाएगा एक बार नॉर्मली बता दो। नॉर्मली 30 दिन करेंगे 8 घंटा तो 14,000-14,500 आ जाएगी। 8 घंटे 14,000-14,500। हाँ, और वही रोटी लगा लेते हैं तो सर वीडियो बनाना तो 20-22। अच्छा कुछ हमारे भाई ये है कि जो कहते हैं केचवाई में काम नहीं करना चाहिए यार, है ना? केचवाई बात नहीं है, ऐसी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। हाँ, अब हर कंपनियों का अगर देख के चलेंगे तो भाई तो काम ही ना कर पाएंगे यार। तो एक भाई हमारे ये इनसे हम बातचीत कर लें, क्या नाम है सर आपका? संदीप। कहाँ के रहने वाले संदीप जी आप? ये सुल्तानपुर। सुल्तानपुर, क्या बात है यार, आजमगढ़ साइड बनारस साइड ना? जी जी जी। और जैसे कि मैं थोड़ा सा इन भाई से बातचीत कर ले, थोड़ा 2 मिनट बात कर लो यार। आ रहे यार, क्या नाम है सर आप? रोहित साक्के। कहाँ के रहने वाले रोहित जी? फरुखाबाद। फरुखाबाद की, क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? 10th 12th ITI। 10th 12th ITI कर रहे हैं जी। तो अभी किस कंपनी में काम कर रहे हो? HY में। कितने महीने से कर रहे हो सर? ये जनवरी से कर रहे हैं, 17 जनवरी से। 17 जनवरी से? 17 जनवरी से कहने वाले 3 महीने हो गए आपके, है ना जी। कैसा अंदर का इन्वायरमेंट, कैसा काम, कैसा होता है? अच्छा है ना? कितने घंटे वर्क करना होता है सर? 9 घंटे 9 घंटे करना। अच्छा, जो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो या ऑन रोल कंपनी? कॉन्ट्रैक्ट। किस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे? शाइन। अच्छा शाइन, वो जो अपना विशाल करके आते हैं ना जी, शाइन शाइन शाइन, है ना? शाइन इंटरप्राइजेस ना? हाँ जी। चलो ठीक। अच्छा, सैलरी को लेके कॉन्ट्रैक्ट बेस में कोई इशू तो नहीं आता? नहीं, कोई नहीं है। कोई मतलब ऐसा कुछ, हमारे भाई ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करने चीज करना चाहिए, सैलरी टाइम टू टाइम नहीं टाइम से आ जाती है। टाइम से आ जाती जी। अगर हमारे कितने घंटे वर्क करना होता है सर आपको? 9 घंटे ही करना होता है। 9 घंटे करना जी, टोटल 9 घंटे। कभी कभी ओटी लगता है तो उस हिसाब से। अगर सैलरी की बात करें, सैलरी कितनी मिल जाती है सर आपको? अभी तक तो हमारी लगी नहीं ज़्यादा, और 17 को भर्ती हुए थे, फिर दूसरे महीने में मार्च में ब्रेक दे दिया था तो पूरी हुई नहीं है 14। कंपनी ब्रेक भी देगा? अभी होली के टाइम पे दिया था। अच्छा, तो फिर से आपको बुला लिया जी। अंदर का इन्वायरमेंट ठीक है? जी ठीक है। मतलब सभी बंदों से हमने बातचीत किया, अब निकल के रिजल्ट यही सामने आ रहा भैया, केचवाई कंपनी तो ठीक है ना? थोड़ा जैसे इन भाई से बातचीत कर लेते हैं। नहीं, शर्माना नहीं है सर, शर्माना नहीं, कोई बात नहीं, भाई हमारे शर्मा रहे हैं। तो जैसा कि अभी इस समय हम केचवाई कंपनी के ठीक सामने ही हैं और लोगों से हम फीडबैक ले रहे हैं कंपनी कैसा है। अब देखो, सभी ने ये कहा कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, और कुछ भाई ने ये कहा कंपनी अच्छी नहीं है, खाना पीना अच्छा है। भाई जब खाना पीना अच्छी नहीं तो क्यों कर रहे हो, फिर मत करो ना। और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, हर कंपनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, कुछ ना कुछ तो इशू है। ऐसा नहीं साफ़ सुथरा कंपनी तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा, सैलरी टाइम इसमें है, थोड़ा कैंटीन का इशू है, वो भी ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। और इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें वर्क करते हैं, है ना, एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा वर्क करते हैं तो थोड़े बहुत तो यार होता है ना, हाथ 19-20 हो जाती है, आप समझ सकते हो। जहाँ पे 10 बंदों का खाना बनाना पड़े और जहाँ पे 10,000 बंदों का खाना बना, तो फ़र्क तो पड़ेगा। जैसा कि अभी केचवाई कंपनी के हम बिल्कुल ठीक सामने ही है, अब बस हमारी यही पहल होती है जो भी हमारे भाई बेरोजगार हैं उनको जॉब कैसे मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और यहाँ पे हायरिंग भी चल रही है, लगातार हायरिंग चल रही है। इन भाइयों ने जिन कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिया, शाइन इंटरप्राइजेस, SSPL और जेक्सिम से अपने ये DK हैं, और उसके बाद SSPL से जितेंद्र जी हैं, टिंकू जी हैं, दूसरा अपना जो इन्होंने लिया था शाइन इंटरप्राइजेस वो विशाल जी हैं। भाई साहब सबको जानता हूँ A to Z, किसको मैं नहीं जानता, सभी को जानता हूँ A to Z। और देख पा रहे हो अभी फेस टू में इस समय है कंपनी हमारी हो रही। अरे यार ऐसे मत कहो यार, क्या नाम है सर आपका? मेरा समीर नाम है। समीर जी, कहाँ, पूरा नाम बताओ। समीर खान। समीर खान साहब, कहाँ रह रहे हो खान साहब? मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ। क्या क्वालिफिकेशन है सर? मेरी तो बायोमेडिकल। इसमें बायोमेडिकल? नहीं, मैं इसमें नहीं करता, मतलब मेरा एक फ्रेंड करता है ना, वो बोलता है सबसे घटिया कंपनी, उसकी हर चीज़ खाना की प्रॉब्लम है, उसको हर चीज़ की प्रॉब्लम है। नहीं, वो क्या कहता है वो छोड़ो, आप क्या कहते हो ये बताओ, आप करते हो इसमें? नहीं, मैं तो नहीं कर, मैं तो हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। किस हॉस्पिटल में करते हो सर? मैक्स हॉस्पिटल। हाँ यार, क्या बात है। कितने घंटे वर्क करना होता है सर? 8 घंटे वर्क करना होता है। किसके थ्रू लगे थे आप वहाँ पे? मैं वहाँ इंटरव्यू दे के लगा था। अच्छा, इंटरव्यू दे के लगा जी। यार फिर तो सही, क्या अभी छुट्टी थी क्या आज? जी आज छुट्टी थी आज, है ना जी। क्या सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती है? नहीं नहीं, वो अपने पे डिपेंड करता है, आज कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था इसीलिए मैं गया नहीं वहाँ। अच्छा, अच्छा। जी, वैसे रहने वाला बिहार के हो? बिहार से। यहाँ कहाँ पे रह रहे हो सर? यहाँ मैं रहता हूँ, नोएडा ही रहता हूँ। कौन सेक्टर में? वही नोएडा 76 में रहते हैं। 76 में जी। कितना रूम रेंट का कितना है सर? रूम रेंट का वही कॉस्टली आ जाता है, 7,000 रुपये आ जाता है। महंगे क्यों ले रहे हो साहब? अब क्या करें, वो अच्छी भी तो नहीं रहती है, अगर रहना है तो फैमिली के साथ रहना है तो लेके रहना पड़ता है ना। अगर देखिए, एक नॉर्मली चीज़ बता दे खान साहब, हम भी आपके भाई हैं, सैलरी कितना मिल जाता है सर नॉर्मली? सैलरी में मतलब हॉस्पिटल में अच्छी जॉब अच्छे से कीजिएगा तो आपको 19-20 हज़ार रुपये मिल जाते हैं प्रॉपरली।
अच्छा, करना क्या होता है बेसिक आपको वहाँ पे? जैसे हॉस्पिटल में मेंटेनेंस करना पड़ता है, जितना मशीन होता है, वेंटिलेटर मशीन, ईसीजी मशीन, ईजी मशीन, ये सब मशीन को ये रिपेयरिंग किया जाता है वहाँ पे, मेरा वही काम रहता है। कितने महीने से कर रहे हो सर आप? मैं तो अभी 2 महीने से वहाँ कर रहा हूँ। 2 महीने टाइमली सैलरी वगैरह आ जाती है? जी जी, हॉस्पिटल में सैलरी टाइमली आ जाते हैं। यार ठीक है भाई साहब से बातचीत बहुत। खान साहब आप भी यूट्यूब पे आओगे ना, जैसे कि हमारे खान साहब हैं और इस समय KH भाई कंपनी के बिल्कुल ठीक है। देखिए यार, हर टाइप के लोग, कुछ लोग कहते हैं KH भाई बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं बहुत ख़राब है। तो देखो यार, हर कंपनी में कुछ ना कुछ इशू है, अगर ये देख के चलेंगे तो किसी कंपनी में नहीं कर पाएंगे। जी ये तो सही बात है, किसी भी कंपनी। अच्छा, लेकिन जिसको जरूरत है वो तो करेगा ही करेगा, करेगा ना भाई। जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या ये करेगा, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, इंटरव्यू अच्छा से नहीं पास कर पाता, वो कहीं ना कहीं से भूखे तो मरेगा नहीं यहाँ पे आके, वो कहीं ना कहीं करेगा अपना जॉब। अच्छा, नोएडा के अंदर कंपनियां तो बहुत है ना सर? बहुत सारी कंपनियां, यहाँ कंपनियों की कमी नहीं है, बस लोगों की कमी है। वाह बिल्कुल, मेरी बात आपने मेरी डायलॉग बोल दी भाई साहब। यहाँ पे ये है लेकिन लोगों की कमी है, कंपनी की कमी नहीं है। मैं भी डायलॉग मारता हूँ भाई साहब, यहाँ पे नौकरी कमी नहीं है, यहाँ पे लोग करने वाले की कमी। बस यहाँ पे करते हैं, 1 महीना करते हैं, 10 दिन करते हैं, भागते हैं, फिर जाके अलग अलग बातें बोलते हैं। लेकिन एक जगह कहीं रहेंगे तो सक्सेस होंगे, नहीं तो कहीं नहीं सक्सेस हो पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टे कहीं रुको यार, काम तो करो 2 महीने 4 महीने। जी ये तो लड़के के ऊपर जो करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। यार 1 हफ्ते के लिए आप आओगे, 1 हफ्ते में कोई आपको इंचार्ज बना दे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है? नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं, टाइम देना पड़ेगा, बिना विदाउट टाइम कहीं भी आप ये सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ठीक है खान साहब से बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। इस समय जैसे कि मैं दिखा दूँ, इस समय KH भाई कंपनी बिल्कुल ठीक सामने। तो उम्मीद करता हूँ आज के हमारे वीडियो आपको काफी पसंद, वीडियो से लाइक का चैनल सब्सक्राइब कर देना।